नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग 2019 की रेलवे वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2019 अपकमिंग जॉब हैं, जो कि इसमें रहेंगी RRB, RRC, RPF जॉब्स और कॉन्स्टेबल SI ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। दोस्तों, टोटल पोस्टें रहेंगी 2,45,000, यानी कि 2.5 लाख पोस्ट के समथिंग आपको 2019 में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप जल्दी ही जल्दी इसकी तैयारी कर लीजिएगा, और जो लोग अभी एग्ज़ाम में नहीं निकल पाए वह बहुत अच्छे से इसमें तैयारी करेंगे, और आप इसमें निकलने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि यदि आप एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा आप फिर से उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, तो इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि यह है 2,45,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। अपन दोस्तों, अभी तो फिलहाल इतनी नहीं है, अब 2019 में ये आने वाली हैं। दोस्तों, यह कब तक आएंगे, लेकिन दोस्तों जो भी होगा, जो लोकसभा चुनाव है अगली साल यानी 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले यह वैकेंसी आ जाएंगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या डिटेल रहेंगी सबको इसमें जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, आप पूरा पढ़ सकते हैं या फिर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको RRB की मिलेगी, RRC, RPF जॉब्स, इसी में कॉन्स्टेबल रहेंगी, SI रहेंगी, ग्रुप सी भी रहेगा, ग्रुप डी भी रहेगा। टोटल सभी की मिलाकर आपको यहाँ पर 2,45,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, वो भी अगली साल तक। ठीक है दोस्तों, अभी जो फिलहाल यहाँ पर पोस्ट 2018 में भरी गई हैं, है 62,000 ग्रुप डी की भरी गई थी, और आपको यहाँ पर बता दें 950 RPF की आई थी, और 27,000 किसकी थी दोस्तों, ALP की। ठीक है, 27,000 ALP की थी, और 62,000 पोस्टें थी ग्रुप डी की, और 9,500 पोस्टें हैं RPF की। दोस्तों, यह जो 27,000 पोस्टें थी, यह बढ़ के लगभग 60,000 के समथिंग पहुंच गई हैं ALP की वैकेंसी। दोस्तों, अब 2019 में ALP की वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी ग्रुप डी की आएगी, और दोस्तों इसकी RPF की भी आने वाली है। ठीक है, ग्रुप डी की तो जल्दी से जल्दी आने ही वाली है, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसे भी 2019 में दोबारा से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग इतने ही रहेंगी इसकी वैकेंसी, 70 से 80 हज़ार के समथिंग इसकी वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि टोटल 2,45,000 वैकेंसी है, तो सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों, यदि तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।